अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, क्या हाल है साहब? सब दोस्तों का ठीक ठाक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अगर बच्चों को कुछ सिखा देंगे ना, तो आने वाले वक्तों में उनके किसी न किसी काम आएगा। उसमें काफ़ी सारे हुनर्स आ जाते हैं, यानी कि ना टेक्निकल काम हो, प्लम्बर का काम सिखा दें आप उन्हें, उसके बाद क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दें आप उन्हें, मोटर वगैरह वेंडिंग वगैरह का सिखा दें, ड्राइविंग का सिखा दें, टेक्निकल यानी कि कोई भी काम है, बाइक मोटरसाइकिल का काम सिखा दें उन्हें। तो ये काम जो है ना सारी ज़िंदगी सदा बहार है, बाइक का काम अब सदा बहार है। इसका मैकेनिक बना दें आप, चाहे इलेक्ट्रिशियन चाहे वो दूसरा मैकेनिक, तो ये सदा बहार उसके साथ चलता रहेगा, सदा बहार उसके काम आएगा। ये वो चीज़ें हैं जो लाइफ टाइम है, मोबाइल लाइफ टाइम है, गाड़ियों का लाइफ टाइम है, फ्रिज एसी लाइफ टाइम है, प्लम्बरिंग लाइट उसका लाइफ टाइम है। और इस चीज़ के अगर इन्हीं कामों में अगर वो बाहर जाना चाहता है, तो इन चीज़ों की बाहर में बहुत इन चीज़ों की मांग है, हद से ज़्यादा इन चीज़ों को जो है ना करते हैं। और बड़ी गाड़ियों का एचटीवी लाइसेंस बनवाएं, वो अच्छी है, वो अच्छा काम है। और अगर डिप्लोमे वगैरह करते हैं तो ठीक है, अगर उस जिस चीज़ में बच्चे की खुशी हो, जिस चीज़ को वो पसंद करता है, उस फील्ड में उसको डाल दें, उस फील्ड में उसको जो उसको जाने दें, तो इंशाल्लाह वो बहुत तरक्की करेगा। गाड़ियों का डेंटिंग पेंटिंग का काम अच्छा है, ये भी सदाबहार है। गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं तो लगनी है, तो उसमें डाल दें। शर्म किसी काम में नहीं करनी चाहिए, रिज़्क अल्लाह ने देना है, जो नसीब में किस्मत में लिखा है वो मिल के रहेगा, वो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। इस चीज़ से ना डरा करें कि रिज़्क हमारा है। और ये पालिश वालिश वो जो हमारे पाकिस्तानी कौम में बहुत ज़्यादा है, अपने सीनियरों की जो है ना, सीनियर लोगों की पालिश मारना,